मध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरणारविंद में प्रणिपात करते हुए उनके हित की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यल्ला प्रविष्ट ओम श्रीपाद श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में प्रणिपात करते हुए उनकी भी अहित की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यल्ला प्रविष्ट ओम श्रीपाद अष्टोतरसत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में प्रणिपात करते हुए उनके भी अहेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम यथायोग्य प्रणाम स्वीकार। सुंदर गोपाल प्रभु जी के अभय शिक्षा गुरु जी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात मेरे श्रेष्ठ गुरु भ्राता वृंद वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी ने प्रभुपाद जी के जो विचार हैं, प्रभुपाद जी की जो धारा है, उसके ऊपर एक एक दिन सबको बोलने के लिए दिया है, क्योंकि हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी कहते हैं कि जो प्रभुपाद जी के विचार हैं, यदि उन विचारों से यदि कोई नहीं चलता तो वो गौड़े संप्रदाय में जो गौड़े मध्व गौड़े सारस्वत धारा है वो उसके अंतर्गत कदापि नहीं आ सकता। तो सर्वप्रथम जो प्रभुपाद जी की विचारधारा है उसको अवलंबन करना होगा, तत्पश्चात जो समस्त क्रियाएं हैं वो उसके बाद शुरू होती है। तो जो प्रभुपाद जी की विचारधारा है उसको ठीक ठीक रूप से हमें अनुसरण करना होगा, अनुकरण नहीं अनुसरण। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हम विचारधारा को ठीक ठीक पालन नहीं करते तो इससे हमारा ही अमंगल है, इससे और किसी का मंगल नहीं है, इससे हमारा ही अमंगल है। तो प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते थे बहुत छोटी, उस स्टोरी का नाम है यस नो वेरी गुड, ये टाइटल है उस स्टोरी का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक गांव में एक मूर्ख आदमी रहता था, तो उसने अंग्रेजी के कुछ शब्द सीखे एक दूसरे से सुन सुनकर। तो उसने मुख्यतः तीन शब्द सीख लिए, यस नो वेरी गुड। तो एक बार उस गांव में ही क्या हुआ, एक डाकू आए और डाकू ने एक आदमी की हत्या कर दी। तो जब ये सारा वो हो गया तो ये बात कहाँ गई, हाई कोर्ट तक पहुँच गई कि इस गांव में हत्या हो गई और इन आदमियों ने कर दी। तो जो जिन्होंने हत्या की थी तो उन्होंने सोचा कि इस बेवकूफ़ आदमी के ऊपर ये सारा आरोप डाल देते हैं जिससे ये जेल चला जाए और हम बच जाए। तो वो जो आदमी था, तो जब वो जज के सामने उपस्थित हुआ, जज ने पूछा कि क्या तुमने हत्या की है, तो उसने सोचा बेवकूफ़ आदमी ने कि यदि मैं जज के सामने ये अंग्रेजी के शब्द बोल लूँगा तो जो जज है वो बड़ा प्रसन्न होगा मेरे प्रति, मुझे विद्वान सोचेगा। ऐसे मूर्ख लोग सोचते हैं, ऐसे मूर्ख लोग की जो बुद्धि होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है वो ऐसी होती है। उसने सोचा कि जो मैं अंग्रेजी के शब्द यदि जज के सामने बोल दूँ तो जज तो मुझे बड़ा विद्वान समझेगा और विद्वान समझ कर मुझे क्या करेगा, मुझे छोड़ देगा। तो जज ने पूछा क्या तुमने हत्या की है, जो उसने तीन शब्द सीखे थे यस नो और वेरी गुड, तो उसने बोल दिया यस। उसे पता नहीं यस का मतलब क्या होता है, तो उसने पहला शब्द बोल दिया यस। तो फिर जज ने दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम्हारे साथ और कोई भी था, बोले नो, मेरे साथ और कोई था ही नहीं। फिर तीसरा जो क्वेश्चन किया वो किया कि अब तुम्हें जेल होगी, तो उसने सोचा मेरे पास तो ये लास्ट ऑप्शन है, मैं आखिरी तीर भी चला देता हूँ। तो उसने बोल दिया वेरी गुड, जेल हो गई इसको। प्रभुपाद जी कहते थे जी जो मूर्ख लोग की धारा होती है वो एक दूसरे के सुनकर वो बोल देते हैं। अभी हमारे शांतनु प्रभु आते हैं, वो एक बंगला में कहावत सुनाते हैं कि सब जानता गामछे वाला,
जैसे कि फेरी वाला होता है ना, जगह 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 फिर कर, वो सब जान लेता है, थोड़ी बात उससे सुन ली, थोड़ी बात उससे सुन ली, उसके उसे उसका मतलब पता नहीं। इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये विचारधारा है इसको ठीक ठीक रूप में जानना होगा, ऐसा नहीं कि उस मूर्ख व्यक्ति की तरह सुन ली और बोल दिया, ऐसे नहीं। बोलते हैं कि जो ये विचारधारा है ना, विचारधारा से ही हमारा मंगल होगा। और हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी कहते हैं कि जो वैष्णव की तिथि है, यदि हम जो वैष्णव की तिथि को प्रभुपाद जी की विचारधारा से अवलंबन नहीं करते तो उस तिथि का कोई मतलब नहीं। तो प्रभुपाद जी की विचारधारा क्या है, वैष्णव की तिथि प्रभुपाद जी किस प्रकार पालन करते थे, उन्होंने किसका अनुसरण किया। भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने अनुसरण किया श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत है तो उसमें समस्त वेद वेदांत का सार का सार का सार उसमें है। ऐसे ही यदि उसमें से कोई कहे कि मुझे इतिहास ढूंढ के निकाल दो, इतिहास दे दो उसमें से, तो बड़ा मुश्किल। इतिहास ढूंढ के निकालना इतना आसान नहीं है। इसी प्रकार यदि प्रभुपाद जी के सिद्धांत में से वैष्णव की तिथि को साधारण क्रियाकलाप से बोलना नहीं, जो उनकी साधारण क्रियाकलाप है, उनके जो बाह्य आचरण है उससे वैष्णव की तिथि का पालन करना नहीं। वैष्णव की तिथि का पालन प्रभुपाद जी कहते थे उनके जो आंतरिक गूढ़ विचार है उनको उनको मद्देनजर रखते हुए उनका पालन करना, ऐसे बाह्य दृष्टि से वैष्णव की तिथि का पालन करना नहीं। तो प्रभुपाद जी की जो विचारधारा है वो बहुत उत्तम है। किसी ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि हमारा मुख्य कार्य क्या है, हम जो इतनी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम इतना कार्यकलाप कर रहे हैं, उनमें से मुख्य कार्य क्या है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाप्रभु के जो आचार विचार आदर्श है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है उसका आदर करना ही हमारा क्या है, सर्व मुख्य कार्य है। इससे हमारा ही मंगल होगा। यदि हम किसी और के मत का अवलंबन करते हैं, किसी और की विचारधारा का अवलंबन करते हैं, इससे कल्याण होगा नहीं। जो ये प्रभुपाद जी की जो महाप्रभु के अनुगत जो प्रभुपाद जी की विचारधारा है उससे ही हमारा मंगल होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारा मुख्य कार्य क्या है, जो महाप्रभु के आचार विचार है उसको पहले आचरण करना फिर प्रचार करना, ये प्रभुपाद जी की विचारधारा है। तो वो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आपने इतना सारा फंड ले लिया है, इसको आप चुकाओगे कैसे, इसको आप यदि वो आपके ऊपर नालिश करे, आपके ऊपर जबरदस्ती करे कि मेरा फंड चुकाओ, मेरे पैसे दो, तो इसको वापस कैसे करोगे। तो प्रभुपाद जी की विचारधारा क्या है कि वो कहते हैं कि हमने फंड तो ले लिया बहुत सारा, तो हम क्या करेंगे, हम प्रचार करेंगे, और प्रचार ऐसे होता नहीं, प्रचार में बहुत साहस चाहिए, वो भी विशेष साहस आचरण का। यदि आचरण ठीक नहीं होगा तो प्रचार भी ठीक ठीक नहीं होगा, तो पहले आचरण फिर प्रचार, इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं आपने आचार्य कह ना करे प्रचार, प्रचार करेन कह ना करे आचार, आचार प्रचार ना मेर कर तो ही कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगते राह। कि कोई कोई तो आचार करता है लेकिन प्रचार नहीं करता, लेकिन कोई कोई प्रचार भी करता है लेकिन आचरण नहीं करता, और जो आचार प्रचार नामेर कर दो ही कार्य है, और तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगते राह। यदि कोई आचार और प्रचार ये दोनों कार्य करता है वही सर्वगुरु होता है, वही जगते राह होता है, वही जगत गुरु होता है, अन्यथा जगत गुरु कोई कहलाने के योग्य नहीं है। आजकल बहुत बहुत बड़े बड़े भागवत वक्ता है, वो प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं, कहते कुछ और है करते कुछ और है, ऐसा होगा नहीं। ये महाप्रभु की विचारधारा है, ये प्रभुपाद जी की विचारधारा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार जभी होगा जब आचरण होगा, और आचरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहि विष्णु ना अमानि ना मान देन कीर्तन्य सदा हरि। कीर्तन्य सदा हरि कब होगा,
जब तृणाद अपि सुनीच हो जाएंगे, तरुर अपि सही विष्णु हो जाएंगे और आमानिना मानदेन हो जाएंगे। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ साधु संघ से होगा। और साधु संघ, प्रभुपाद जी कहते हैं साधु संघ का, यदि किसी का साधु संघ कैसे होता है, बोलते हैं एकाग्रचित्त से यदि साधु के मुख से हरि कथा सुनी जाए तो तभी ये होगा। असाधु के मुख से नहीं। प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी के अंदर कनक कामनी प्रतिष्ठा की भी आशा है, वो भी साधु नहीं है, वो असाधु है, वो असाधु है। इसलिए असाधु के मुख से हरिकथा सुनना नहीं। आ वैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथा अमृतम सर्वणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथाप। यदि वैष्णव के मुख से हरिकथा सुनी जाए तो जिस प्रकार एक दूध में सर्प मुंह मार जाता है ना, और उसको पीने से हमारी मृत्यु होगी, हमें ही अमंगल होगा, हमारा कुछ उससे लाभ होगा नहीं, हम मर जाएंगे। इसलिए असाधु के मुख से हरी कथा सुनना नहीं। ये प्रभुपाद जी की विचारधारा की आचार फिर प्रचार। आचार प्रचार नामेर कर तुम ही कार्य, तुम्ही सर्वगुरु, तुम्ही जगतेर आर्य। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का विचार किया है। इसलिए किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, क्या हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं? प्रभुपाद नहीं, हम कभी भी अपने आप को रक्षा नहीं कर सकते। जो सोचते हैं हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं, ये जो विचार है कहते हैं राक्षसों का विचार है, ये भक्तों का विचार नहीं है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हृदय से करुणा करी। इसलिए भक्त लोगों का विचार है हर समय हमें वैष्णव लोग ही रक्षा कर सकते हैं और भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। इसलिए कहते दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इसलिए जो दैवी जो माया है ना, इतना बलवान ये दैवी माया है। कृष्ण कहते हैं केवल वही ये माया से रक्षा पा सकते हैं जिसको भगवान रक्षा करते हैं। अगर भगवान रक्षा नहीं करेंगे ना, हम कभी भी रक्षा हो ही नहीं सकते। ये जो माया है ना, मैंने स्वयं अपना जीवन में बहुत बार मैंने अनुभूति किया है। अगर भगवान अगर किसको नहीं रक्षा करेंगे, एक दिन भी आप भक्ति जगत में ब्रह्मचारी जीवन में साधु जीवन में एक दिन भी आप टिक नहीं सकते। ये माया की इतने बलवान है, इतने बलवान, कब कैसे तुमको कैसे जीव फंस जाएगा, जीव को पता चलना बड़ा कठिन। कब माया में फंस करके कहाँ कहाँ चला जाएगा जीव माया से। अगर लेकिन प्रश्न है फिर भगवान किसको रक्षा करेंगे, रक्षा फिर किसको करेंगे? बोले निष्कपट व्यक्ति को। अगर सचमुच से हम हृदय से, हमारे हृदय तो कमजोर है ही है, हमारे बद्ध जीव कमजोर, बहुत कमजोर है, लेकिन अगर हमारे हृदय से सचमुच के निष्कपटता हमारे हृदय में हो, सचमुच से हम भगवान की भक्ति करनी चाहते हैं, भगवान के भजन ही हम हृदय से करना चाहते हैं, कमजोर तो है ही है, लेकिन अगर हृदय से निष्कपट वृत्ति रहे, ठाकुर जी आप ही हमें रक्षा कर सकते हो, हम अपने आप कभी भी अपना को रक्षा नहीं कर सकते, ठाकुर जी अपना माया से आप ही हमें बचा करके रखो। अगर हृदय से निष्कपट भाव होएगा ना, देखना भगवान अगर तुम फंसने भी कहीं जाओगे ना, ठाकुर वहाँ पर आकर के तुम रक्षा कर लेंगे, वहाँ पर आकर ठाकुर तुमको बचा लेंगे। अगर हृदय से कपट वृत्ति होगा
हाँ, हृदय से हमारी कपट वृत्ति होगी, एक दिखाएंगे एक और सोच रहे हैं कोई अलग चीज। कहते इसे कपट व्यक्तियों का कल्याण होना बड़ा कठिन है, निष्कपट व्यक्तियों का कल्याण भगवान कर देते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान पतित पावन कपट पावन नहीं है, भगवान कपट पावन नहीं है, भगवान पतित पावन है। इसलिए निष्कपट होना बहुत जरूरी है भक्ति जगत में, निष्कपट होना बहुत जरूरी, निष्कपट होना। इसलिए कहते हैं ये भक्तों का विचार है, अगर हमें भगवान नहीं बचाएंगे माया से, हम कभी भी एक मिनट भी ये भक्ति जगत में रह नहीं सकते। ये हमें कहाँ से कहाँ लेकर के चला जाएगा माया, कहाँ लेकर चली जाएगी माया, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ चलेगी। इसलिए हमारे हृदय में निष्कपट भावना हो, भगवान से प्रार्थना करें। इसलिए हमारी जो वैष्णव जगत में जो कीर्तन करते ना, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसान कृतो निद्रा आहार विहार काद विजितो चात्यंत दीन चतु, ये सर्ग स्वामियों का जो भजन शैली और प्रभुपाद ने जो हमारी मंदिर में जो जो विधान रखा है ना, बहुत बहुत बढ़िया है। नाम गान नति भी, हरि नाम तो करते हैं और जी गान मतलब रोज जो हम भजन गाते हैं, रोज जो भजन नरोत्तमदास ठाकुर जो भजन गाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जो भजन गाए और श्री लोचन दास ठाकुर जो भजन गाते हैं, हम जो रोज गाते हैं जो भजन को हैं, जैसे उनका शरणागति भजन है और भगवान कैसे हमें रक्षा करेंगे, जो रोज रोज हम जो भजन गाते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते ना, एका किया मार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन। अगर कोई व्यक्ति हृदय से ये भजन को गाता है, ठाकुर वैष्णव ठाकुर अकेला हमारे अंदर में ताकत है नहीं भक्ति करने का, आप कृपा करके हमें भक्ति की शक्ति दो, ये माया बड़ा बलवान है। जैसे हमारे भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, बोले रोज दो कीर्तन करनी चाहिए, दो बोले दो कीर्तन किया है, वो कहते थे एक कीर्तन है हमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्य लेस परेर उद्वेग दिया छी जो कत दिया छी जीवर क्लेश। कहते ठाकुर भक्त विनोद ठाकुर ने हमारे जो हृदय को उन्होंने बाहर निकाल कर रख दिया, बद्ध जीव का हृदय का क्या स्थिति है, हैं? इसलिए हमार जीवन सदा पापे रत, सचमुच से हमारे जीवन तो पाप में भी रत है ही है, नाही क पुण्य लेस। हाँ कितने सुंदर प्रार्थना है, हैं? कितना सुंदर। और जो गोपीनाथ मब निवेदन सुना, क्या भजन ये है। अगर सचमुच से ये भजन गाते समय, भजन गाते समय अगर सचमुच से हम सोच करके ये भजन को गाए ना, भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे ही। इसलिए हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते थे ना, उन्होंने सबसे एक एक अलग अलग मंत्र लिया है। उन्होंने भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से क्या मंत्र लिया बता सकते हो? उग्र श्रवा। और क्या लिए हैं? हाँ हाँ, इसलिए उनका जो भावना है, जो भजन में जो, लेकिन सुर ताल में ध्यान देनी चाहिए, लेकिन उतना नहीं जितना ध्यान देनी चाहिए हमें उसकी भाव में। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे ये वेद पुराण उपनिषद को ढूंढ करके भी जो चीज़ हमें नहीं मिलेगा, भक्ति विनोद ठाकुर ने सरल सहज रूप में उन्होंने ये भजन रूप में दे दिया है। अब गोपीनाथ मम निवेदन कीर्तनों का क्या भजन, ठाकुर का चरण में कितने सुंदर रूप में प्रार्थना करता है, कैसे हमारी काम क्रोध लोभ में कैसे फंसे हुए, हमारी इंद्रिय कैसे इधर उधर भाग रही हैं, भजन में मन लगना नहीं चाहता है मन को, ठाकुर के चरण में कैसे प्रार्थना करते, ठाकुर जी आशीर्वाद करो ये मन, जैसे तुम ही ऋषिकेश ऋषि को दमिया तारो संस्कृति भरे। अब तो इंद्रिया का राजा आप ही हो, हमारी इंद्रिया तो चारों तरफ में विषय भोग में जा रहा है, आप तो ऋषिकेश हो, ऋषि को जो मालिक हो, इंद्रिय का मालिक है, आपका आशीर्वाद से ये इंद्रिया दमन हो सकता है। अगर सचमुच से ये भजन को कोई गाए, ठाकुर का चरण में प्रार्थना करे, क्या ठाकुर उसको रक्षा नहीं करे?
ठाकुर जरूर उसका रक्षा करेंगी, जरूर रक्षा करेंगी। इसलिए इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने, प्रभुपाद ने जो नियम रखा है ना, रोज सवेरे भजन गाओ, और भजन गाते समय ऐसे नहीं केवल दूसरों को सुनाने के लिए और केवल लय ताल के ऊपर में नहीं, विशेष करके जो भजन गा रहे हैं उसको ऊपर में ज़्यादा महत्व देनी चाहिए। इसलिए जिस समय प्रभुपाद शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने एक भजन सुनने के लिए चाहा, कौन सा भजन है? श्री रूप मंचरी पद सही मर संपद। इसलिए कोई बोल रहे थे नहीं अमुक व्यक्ति बहुत बढ़िया गाते हैं, बोले जरूरत नहीं, हमें भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज को बुलाओ, उनसे मैं ये भजन सुनना चाहता हूँ। कारण क्या? बोले कारण है वो भजन में बताना क्या चाहते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उसका भावार्थ क्या है, ये चीज को अपना जीवन में उतारनी, अनुभूति करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जो भक्तों का जो विचार है, अगर ठाकुर जी अगर हमें रक्षा नहीं करेंगे हम कभी भी भजन में कर नहीं सकते, ये माया बड़ा बलवान है, पता नहीं कब ये चोटी पकड़ करके ना, ये घिसट करके ये कब ले जाएगी नरक में, गड्ढे में डाल देगी ये माया, ये माया बड़ा बलवती। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर समय हमारे गुरुवर्ग ने जो भजन गाए हैं वो भजन को अगर सचमुच से वैष्णवों के निकट में, ठाकुर जी के निकट में निष्कपट होकर प्रार्थना करनी चाहिए हृदय से, ठाकुर जी हमें ये माया से बचाओ, अगर आप रक्षा करोगे तो हम रक्षा पा सकते, अगर आप रक्षा नहीं करोगे हम कभी भी रक्षा नहीं पा सकते हैं, ये प्रार्थना जरूर हमें करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते ये राक्षसों का विचार है हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं, लेकिन भक्तों का विचार नहीं, हम रक्षा नहीं पा सकते, गुरु वैष्णव हमें, ठाकुर जी हमें रक्षा कर सकते हैं। कहते ए रूप कुविचार असले विपद, अगर किसकी मन में ऐसे विचार आ जाए हम अपने आप रक्षा कर सकते हैं, अरे हम क्या कम हैं, हम इतने लिखे पढ़े, इतने सारे शास्त्र को रट रखा पढ़ा है, हम स्वयं को स्वयं रक्षा कर सकते हैं। कहते ये सब राक्षस का विचार है, ये भक्तों का विचार नहीं है, ये को विचार है। कृष्ण ही अमार रक्षा करता, सुतराम अमार अबार भय किसे, भक्त प्रहलाद नाय सुविचार ग्रहण, बोले क्या विचार को ग्रहण करनी चाहिए, कहते भक्त का विचार को ग्रहण करनी चाहिए। तब प्रभुपाद यहाँ पर कोटेड कर रहे हैं जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद के ऊपर में कितना विपत्ति आई बताओ, उसको पिता लेकर पहाड़ के ऊपर से फेंक दिए, तो आकाश से लेकर भगवान उसको पकड़ लिए, उसको पत्थर में बांध कर पानी में फेंक दिए, पानी में भी तैरने लग गए, सर्पों के सामने, हाथी के सामने, और कालकूट जहर दे दिया, लेकिन भगवान जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी है। प्रहलाद महाराज का ये पूर्ण विश्वास था, क्या विश्वास था, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे ही, जैसे अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज के ऊपर में जो दुर्वासा जी ने एक कृत्या को राक्षस को प्रकट करके बोले इसको खत्म कर डालो, अम्बरीश महाराज भागे थे कहीं, कहीं भागे, एक जगह पर खड़े होकर के, अगर आज मरना हो तो भगवान जिसको मारेंगे जगत में कोई उसको बचा नहीं सकते, भगवान जिसको बचाएंगे दुनिया में उसको कोई भी नहीं मार सकते, अगर ठाकुर की इच्छा होगा तो भाग करके कहाँ जाएंगे, भाग कर कहाँ जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक हाथ जोड़ कर खड़े रहे। और जब सुदर्शन चक्र आया है, क्योंकि भगवान का चरण में शरणागति थे पर अम्बरीश महाराज, इसलिए भगवान सुदर्शन चक्र भेज कर रखा था, इसके ऊपर में कोई भी विपत्ति आए तो तुम उसको रक्षा करना। जब कृत्या प्रकट हुआ इतने में झट सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और मारा तो मारा कृत्या को, और उल्टा दुर्वासा जी को पीछे उन्होंने भागे, और दुर्वासा जी मारे मारे ब्रह्मलोक में शिवलोक में लास्ट में कहाँ गए, बैकुंठ गए। जब बैकुंठ में जाकर ठाकुर के चरण में शरणागत हुए, इतने में शरणागत हुए तो उस समय भगवान क्या बोले, बोले देखो अपने आप को तुम बोल रहे हो हम इतने बड़े ब्रह्मर्षि हैं, इतने बड़े ब्रह्मर्षि, देख लो
तुम्हारे ऊपर सुदर्शन चक्र आया तो तुम दर दर कहां ब्रह्म लोग शिव लोग यहां तक आ गए। अम्बरीश महाराज के ऊपर में जब तुमने कीर्तन निकल किया वो कहीं गया था? अभी भी हाथ जोड़कर एक जगह पर खड़े, मेरे से अपराध हो गया, घर में कोई ब्राह्मण देवता आए और भूखे अभी तक है, मैं कैसे भजन कर सकता हूँ? वो कितना दिन तक भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, आ करके देखे तो ऐसे के तैसे खड़े हुए और आए तो उल्टा उनको चरण में माफी मांगे हैं और दुर्भाषा किया, बोले आज हमने देखा भक्तों का क्या महिमा, भक्तों का महिमा आज हमने देखा, इसलिए इनके ऊपर में क्या विश्वास है, भगवान हमें जरूर रखा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास इनके ऊपर में है। कहती जैसे प्रहलाद महाराज, और एक उदाहरण देते हैं, जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, देखो वस्त्र जब हरण हो रही थी उसी समय अर्जुन को इतना क्रोध आया, जब भरी सभा में दुशासन खींच करके द्रौपदी को ले आई और किसका पति को सामने, और भीम जैसे अर्जुन जैसे गांडीवधारी गदाधारी कोई हो, तलवार युद्ध में हो, उसको सामने कोई पति पत्नी को विवस्त्र करे, कोई सहन कर सकता है? कोई सहन कर सकता है? साधारण व्यक्ति जिसका ताकत नहीं वो कुछ करे, लेकिन जो इतने बलवार उसको कोई, और इनका भाव फड़क रहा था और भीमसेन तो प्रतिज्ञा किया, जिस हाथ से तुमने द्रौपदी को केस को आकर्षण किया, भरी सभा में तेरा हाथ को मैं उखाड़ दूंगा अर्जुन, हाँ, और जिस जंघे के ऊपर तू बैठाने के लिए बोले वो जंघे को मैं तोड़ दूंगा, कितना क्रोध। लेकिन वहां पर युधिष्ठिर महाराज भी थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को देखो उनका क्या युधिष्ठिर, मतलब युद्ध में भी जिनका बुद्धि स्थिर रहता है, जिनके विचलित नहीं रहता है। लेकिन युधिष्ठिर क्या बोल रहे थे, बोले देखो तो मतलब भगवान के प्रति इनको कितने शरणागति है, कितने विश्वास है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज एकदम स्थिर रूप में युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। बोले क्यों नहीं कर रहे थे? बोले उनको पूर्ण विश्वास था। क्या इनका पूर्ण विश्वास था? कृष्ण हमें जरूर, हमें कृष्ण रखा करेंगे ही, कृष्ण हमें जरूर कृष्ण रखा करेंगे, उनको ये दृढ़ विश्वास था। ठाकुर जी को खोल दो, दृढ़ विश्वास था, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज सोच रहे थे जे कृष्ण इनको अपना सखी बोलते हैं, द्रौपदी को अपना सखी बोलते हैं, ये जरूर उनको रक्षा करेंगे। और सचमुच से भगवान क्या दिया, वस्त्र रूप में प्रकट हुए कि नहीं, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गया लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोले देख लिया कृष्ण को बचाएगा नहीं, कृष्ण रक्षा किया कि नहीं। इसलिए कहते जो भक्त लोगों का जो विचार है ना, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे। इसलिए हमें ब्रह्मचारियों को जो कभी ना कभी बैंक बैलेंस रखते हैं, अरे अगर भविष्य में अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो फिर हम क्या खाएंगे, हमको क्या बचाएगा, कौन रक्षा करेगा? नहीं, इसका मतलब हम अभक्त है, हम भक्त नहीं हैं। अगर सचमुच से भक्त होंगे, सचमुच से हमारी भजन में ताकत होगा, जो चिट्ठी से लेकर के हाथी तक पालन करते हैं वो क्या हमें पालन नहीं करेंगे? हम उनका भजन कर रहे हो कि हमें पालन नहीं करेंगे? इसलिए जो भक्तों का ना भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रहता है, कहते ये भक्तों का विचार है, भगवान जरूर रक्षा करेंगे। और जो सोचेगा नहीं क्या होगा, नहीं हुआ पहले ब्याग वाले, सब ब्याग वाले वृंदावन में बहुत ऐसे साधु पैसा रखते हैं, एक भी पैसा ठाकुर का सेवा में नहीं लगता है, सब जैसे भूत खाते हैं, सारे ब्याग वाले खा जाते हैं पैसा एक एक करके, जैसे मधुमक्खी ना ला करके संचित करते हैं, लास्ट में क्या होता है कोई व्यक्ति आएगा सबको सब निचोड़ करके मधु लेकर चले जाएगा, इसलिए सब हैं, हाँ इसलिए सब कैसा निचोड़ करके ले जाते हैं। इसलिए भैया भगवान के ऊपर विश्वास करो, उनका पर में दृढ़ विश्वास रहनी चाहिए। लेकिन इसका विश्वास किसको होगा, जो सचमुच से हृदय से भगवान की भक्ति करेगा उसको ही विश्वास होगा। लेकिन प्रभुपाद के जो राक्षस लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्यों? बोले पता नहीं, हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं, अपने आप को ये कुतक कुतक हो रहे, अपने आप को हम रक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये प्रभुपाद कहते हैं प्रहलाद जैसे विचार करनी चाहिए और निर्भय होकर के क्या करनी चाहिए, जब हम ठाकुर के चरण में शरणागत हो गए हैं
रक्षा जरूर ठाकुर हमें जरूर रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास हमारी ठाकुर जी के चरण में होनी चाहिए। हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि पंचाग्र दुर्वश कृपा सिंधु भज पिता नाम पावन भो वैष्णव दरवाजा खोल दो साढ़े 8 बजे आरती होते आ जाओ अंदर में Thank you.